हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। प्राणायाम सबके लिए जरूरी, और प्राणायाम ही से अर्थराइटिस मुख्य रूप से ठीक होता है। प्राणायाम मात्र एक शारीरिक व्यायाम नहीं, प्राणायाम समाधान है आपकी समस्त समस्याओं का। क्योंकि हमने देखा है और अनुभव किया, कैंसर यदि मिट सकता है प्राणायाम से, तो आप उसको क्या कहेंगे? किसी व्यायाम से आज तक किसी का कैंसर नहीं मिटा, किसी अन्य व्यायाम से किसी के हार्ट के ब्लॉकेज नहीं निकले, किसी अन्य व्यायाम से किसी का आज तक थायराइड क्योर नहीं हुआ परमानेंट, किसी अन्य व्यायाम से किसी का आर इफेक्ट जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव नहीं हुआ, किसी अन्य व्यायाम से किसी का हेपेटाइटिस ए बी सी सिरोसिस ऑफ लिवर की प्रॉब्लम अच्छी नहीं हुई, प्राणायाम के द्वारा ये सब कुछ हुआ। इसलिए प्राणायाम एक संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान, एक कंप्लीट मेडिकल साइंस, और प्राणायाम एक संपूर्ण जीवन शैली। तो आइए दोनों हाथ घुटनों के ऊपर वही मुद्रा में बैठ करके प्राणायाम करेंगे। ये भस्त्रिका का प्राणायाम धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा के एक मिनट, दो मिनट, पांच मिनट तक कर सकते हैं आप। अर्थराइटिस के पेशेंटों को प्राणायाम ही खास करना है, क्यों लंबा भरना और बाहर छोड़ना। अच्छी प्रकार की बात रोग प्राणायाम ही से ठीक होगी, ये पांच मिनट कर लेना। फिर कपाल भाती धीरे धीरे पांच मिनट से प्रारंभ करके 15-20 मिनट, और मैंने आपको कई बार ये भी बताया कि आधा घंटे भी आप प्राणायाम कर सकते हैं कपाल भाती, और आधा घंटे अनुलोम विलोम कर सकते हैं। यदि आपको अर्थराइटिस बहुत ज्यादा है तो आर इफेक्ट भी जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, यूरिक एसिड एकदम नॉर्मल आ जाएगा, किडनी भी ठीक हो जाएगी, किसी भी कारण से आपको अर्थराइटिस से ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे अर्थराइटिस के कारण से बहुतों को बुखार रहने लग जाता है, ज्वर हो जाता है, फीवर हो जाता है, किसी किसी को हार्ट के अंदर ब्लॉकेज आ जाती है, उनसे भी आप बच जाएंगे कपाल भाती अनुलोम विलोम करके, रेमेटिक हार्ट डिजीज से आप बच जाएंगे और रेमेटिक फीवर से आप बच जाएंगे, अवसाद डिप्रेशन आ जाता है, इस सब से बच जाएंगे। प्राणायाम करना धीरे धीरे कपाल भाती, श्वासों को बाहर छोड़ना। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाने इसका 15 मिनट तक करना है, रुक रुक के, जब थक जाए तब रुक जाए। वैसे तो मैं आयुर्वेद की दवाइयों का भी बहुत पक्षधर नहीं हूं, परंतु यदि अर्थराइटिस इतना ज्यादा है कि आप हाथ पैर सब जकड़ चुके हैं, तो आयुर्वेद में कुछ दवाएं जिनको ले सकते हैं और जो बिल्कुल हानि रहित है, जैसे शिलाजीत, ब्लड प्रेशर वाले हार्ट के पेशेंट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस बस दूध में लेना और प्योर होनी चाहिए शिलाजीत, एक एक बूंद सुबह शाम गाय के दूध से। भैंस का दूध वायु करता है, उसका सेवन नहीं करना, दही शास्त्र सेवन करना ही नहीं है, भैंस का दूध भी नहीं पीना, गाय का ही दूध पीना, गाय का दूध निर्दोष है, माँ के दूध के बाद यदि सबसे पवित्र किसी का दूध है, निरोगी दूध है और जीवन देने वाला दूध है, आरोग्य देने वाला दूध है, तो गाय का दूध है, गाय का बूंद, गाय का दूध एक एक बूंद उसमें शिलाजीत डाल करके ले लेना। और चंद्र प्रभावती निर्दोष है, कोई भी ले सकता है बिना वैद्य की सलाह के। ज्यादा अर्थराइटिस होने पर हम चंद्र प्रभावटी के साथ साथ त्रयोदशांग गुग्गल, सूजन है तो पुनर्नवादी मंडूर, पूरे शरीर में जकड़न है तो त्रयोदशांग गुग्गल, संधियों में ज्यादा दर्द है तो सिंहनाद गुग्गल, बाकी अन्य वात रोगों में योगराज गुग्गल, और यदि वात रक्त है तो फिर उसमें कैशोर गुग्गल, रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने पर तो कैशोर गुग्गल, सिंहनाद गुग्गल, त्रयोदशांग गुग्गल, योगराज गुग्गल, फिर सूजन आदि है तो पुनर्नवादी मंडूर, क्षेत्र प्रभाव टी के साथ में कोई एक या दो गोली और साथ में दे देते हैं, सुबह दोपहर शाम 3 बार खाने के बाद, सुबह शाम दूध से, दोपहर पानी से, ये गुग्गल आदि ले सकते हैं। ये गुग्गल हड्डियों को मजबूत करता है, घिसी भी हड्डियां दोबारा आ जाती है, और जो आपके घुटने घिस गए तो आप क्या करते हैं, थोड़े घुटने घिसने पर ही तुरंत ऑपरेशन करवा लेते हैं, लेकिन भाई वो लगाए हुए बाहर के नकली घुटने ज्यादा दिन चलने वाले नहीं है, इसलिए याद रखना, ध्यान देना मेरी बातों के ऊपर,
ऑपरेशन जो करवा रहे हैं अभी घुटनों का, 5 साल बाद में पछताएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सलाह दे रहा हूँ, आप इसका प्रयोग कर लीजिए ना, क्या जा रहा है आपका। और यदि इससे ना हो तब आप करवा लेना ऑपरेशन, ऑपरेशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप शिलाजीत से, गुग्गल से, लहसुन से, मेथी से और घर के ही हल्दी से आपकी बीमारी मिट जाती है, तो क्यों आप परेशान हो रहे हैं। कपालभाति प्राणायाम करो, थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करो, आहार पर नियंत्रण करो। देखो कपालभाति प्राणायाम, प्रसन्नता से करना, खुश रहना हमेशा, ये भी जरूरी है। चिंता से वातरोग बढ़ता है। कार्टिलेज के अंदर यदि कहीं पर क्रैक आ गए वो भी ठीक हो जाएंगे। तो कार्टिलेज के अंदर दो दिक्कत है, साइनोफ्यूल लिक्विड जो जोड़ों का कम हो गया, वो दोबारा से अपने आप नॉर्मल हो जाएगा, पैदा हो जाएगा अपने आप ही। सब चीजें भीतर से अपने आप होगी, तुम प्राणायाम करना, सब भीतर का असंतुलन अपने आप मिट जाएगा। बढ़े हुए घिसेंगे, घिसे हुए दोबारा से आ जाएंगे, और ये अंदर का लिक्विड जो जोड़ों का बोलते हैं ग्रीस कम हो गया, वो दोबारा से पैदा हो जाएगा। प्राणायाम करो, योगाभ्यास करो, फिर तुम एक एक नहीं 5-5 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर चल सकोगे, घुटने नहीं घिसेंगे तुम्हारे। ये 15 मिनट करना है कपालभाति, तब वो लाभ होगा, 15 बार करने से नहीं। फिर इसके बाद में संभव हो सके तो थोड़ा बाह्य प्राणायाम कर लेना, श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक देना। बाहर रोक देंगे, हार्ट आई बी प्योले नहीं करना। कपालभाति बाह्य प्राणायाम गर्भवती महिलाओं के लिए भी निषिद्ध है, और बाह्य प्राणायाम को छोड़कर के शेष प्राणायाम पीरियड के दौरान माताएं बहनें कर सकती हैं। पीरियड के दौरान बाह्य प्राणायाम माताएं बहनें ना करें। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक देंगे, सर्वाइकल पेन वाले जाल अंदर बंद न लगा के सीधे बैठ करके करें। बाह्य प्राणायाम 3-5 बार कर लेना, श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक देना। फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये भी 15 मिनट करना जरूरी है। कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये दो मुख्य प्राणायाम है जिससे आर्थराइटिस 100% ठीक हो जाता है, गाउट ठीक हो जाता है, रेमेटॉइड आर्थराइटिस ठीक हो जाता है, सारी जॉइंट पेन की प्रॉब्लम 100% अच्छी हो जाती है। 15-15 मिनट करना, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा। ब्लड का सर्कुलेशन जब रुकता है, नसें जब कमजोर पड़ जाती हैं, और उसके बाद ही जब एनर्जी का फ्लो कम हो जाता है तो हड्डियाँ घिसती हैं, साइनोफ्यूल लिक्विड कम होता है, कार्टिलेज डैमेज होते हैं, ये हड्डियाँ बढ़ना, हड्डियाँ घिसना, ये सारी समस्याएं, सूजन का आ जाना, सब दूर कपालभाति और अनुलोम विलोम से। आप कुछ भी नहीं करें, जो मैंने घरेलू उपचार आदि बताए, तो भी आप ठीक हो जाएंगे। अनुलोम विलोम 15 मिनट करना, फिर धीरे धीरे बढ़ाना अभ्यास, एक ही दिन में 15 मिनट न करना। दाहिना हाथ उठाना, राइट नोस्टल को बंद करना, लेफ्ट से श्वास भीतर गहरा भरना, राइट से बात करना, राइट से लेना, लेफ्ट से बात, लेफ्ट से लेना, पूरा लेना और पूरा ही छोड़ना, सहज करना। देखो धीरे धीरे लंबा श्वास फेफड़ों में भरना गहरा,
ये प्राणायाम 15 मिनट इसे हार्ट की प्रॉब्लम, डिप्रेशन, पार्किंसन, अवसाद सब दूर, सिर में दर्द, माइग्रेन पेन सब समस्याएं और भी दूर हो जाएंगी। एक ही प्राणायाम अनेक समाधान, अनुलोम विलोम भाव से करना, श्रद्धा से करना, ब्रह्ममय तेजोमय ज्योतिर्मय हो जाओ करते करते अपने आप।